在在希拉佩上。सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाचरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय ब्रज में उत्सवों की धूम चल रही है। हमारी राधा रानी का प्राकट्य अष्टमी तिथि को श्री राम बरसाना में हुआ। उसके उपरांत यहां हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों के भी जन्म महामहोत्सव ब्रज में बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपको लेकर के आया हूँ अंजन वन, और जिसको आज आंजनों गांव कहा जाता है। वहीं हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी श्री इंदुलेखा जी विराजती हैं। आज उन्हीं के जन्म महामहोत्सव में आपको सम्मिलित करने के लिए मैं श्री राम अंजन वन लेकर के आया हूँ। तो आइए हम और आप सभी श्री इंदुलेखा जी के जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए हमारे साथ। इंदुलेखा जी का जन्मोत्सव यहाँ अंजन वन में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदुलेखा जी का मधु के द्वारा अभिषेक कराया जा रहा है, जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। सभी वैष्णव समाज के द्वारा यह कार्यक्रम यहाँ अंजन वन में संपन्न कराया जा रहा है। दूध दही शहद अनेकों दिव्य वस्तुओं के द्वारा हमारी राधा रानी की सखी श्री इंदुलेखा जी का महाअभिषेक चल रहा है। यह दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज भाद्रपद शुक्ला द्वादशी का दिन, हमारी राधा रानी के जन्म के उपरांत उनकी सभी आठों सखियों के जन्म भी भादों के महीने में ही होते हैं, और जिसका हमारे ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से यह उत्सव मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ अंजन वन, आज के समय में जिसको आंजनों गांव कहा जाता है, वहाँ हमारी श्री राधा रानी की सखी इंदुलेखा जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और अब आप दर्शन कर रहे हैं इंदुलेखा जी के महाअभिषेक के। सभी भगवान का यहाँ गुणगान करते हुए बड़ा ही उल्लास और बड़ा ही आनंद का यहाँ वातावरण है। इधर महाअभिषेक संपन्न हुआ। यहाँ ब्रज गोपियों से जानते हैं कि यहाँ आज आनंद कैसा बरस रहा है और कैसे आनंद की प्राप्ति हो रही है। राधे राधे, राधे राधे। आज यहाँ क्या प्रोग्राम हुआ है और कैसा आनंद बरस रहा है? आज हमारी बहुत ही विशेष इंदुलेखा सखी का जन्म उत्सव मनाया गया। बहुत धूमधाम से उनका अभिषेक किया गया। बहुत आनंद आया। जय हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, समस्त ब्रजवासी यहाँ पूरे हर्षोल्लास में इंदुलेखा सखी के जन्म महामहोत्सव में। तो आइए जानते हैं भक्तों को यहाँ किस आनंद की प्राप्ति आज हुई है हमारी इंदुलेखा जी के जन्म महामहोत्सव में पहुँचने के बाद। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज। प्रभु जी अपना नाम बताएं। जय जय श्री राधे। आज जैसा कि हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी इंदुलेखा जी का जन्म महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, तो आप यहाँ किस आनंद की प्राप्ति आज कर रहे हैं उसका थोड़ा सा आप वर्णन करें। सर्वप्रथम एक वो दो लाइनें बोली जाती हैं,
जो रस बरस रहो बरसानी सो रस तीन लोक में नाय तीन लोक में नाय ओ रस बैकुंठन में नाय जो रस बरस रहो बरसानी। तो अब सभी सखियों का प्रकट्योत्सव मनाया जाएगा। कल चित्रा सखी जी का प्रकट्योत्सव मनाया गया चिकसोली गांव में। अभिषेक हुआ उनका। अब यहाँ आज इंदुलेखा महारानी का प्रकट्योत्सव मनाया जा रहा है। उनका अभी अभिषेक किया गया और आठ सखियों में से एक इंदुलेखा सखी जी है, किशोरी जी की परम प्रिय सखी, किशोरी जी की। सभी आठ सखियाँ जो हैं वो प्रधान सखी हैं। सबसे पहले इन्हीं का आठ का नंबर है, उसके बाद तो करोड़ों सखी हैं श्री जी की। और जो रस इसकी कोई तुलना ही नहीं है, वो जो आएगा वो पाएगा। यहाँ के लिए तो सभी देवी देवता ऐसे झोली फैला के खड़े हुए हैं, हे प्रभु हमें भी यह रस चखा दो। ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है वो भी श्री जी कहते हैं, श्री जी प्लीज हमारा भी कोई नंबर लगा दो, हमें भी थोड़ा सा यहाँ जगह दे दो। तो सबको फिर ठाकुर जी अपने अपने हिसाब से उनको जगह मिली। कोई लता गुलम बने आपका वो उद्धव जी महाराज, और सबको कोई रज बने, कोई कुछ बने, कोई मोर बने, कोई कुत्ता बने, कोई शुक बने। तो इस तरह ठाकुर जी ने सबको मन की अभिलाषा पूरी की है। समस्त वैष्णव जन ऐसे भगवान के उत्सवों में सम्मिलित होने के बाद अपने भाग्य को बार बार धन्यवाद देते हैं कि ऐसा हमने प्रारब्ध पाया कि भगवान के ऐसे उत्सवों में हमें शामिल होने का अवसर प्रदान हुआ। कैसे सुंदर भाव हमारे वैष्णव जनों के। महाराज जी आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। राधे राधे। जय हो महाराज, आपकी बधाई हो। बधाई हो सभी भक्त जनों को बहुत बहुत बधाई। एक बार जोर से कहें बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आपको कुछ बाहर से आए हुए फॉरेन कंट्री से आए हुए कुछ श्रद्धालु हैं, उनके भी आपको दर्शन कराते हैं और उनसे बात कराते हैं। आइए महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। आज के उत्सव के विषय में थोड़ा सा आप किस आनंद की अनुभूतियां कर रहे हैं? इंग्लिश में बोलेंगे, बोलिए आप अपनी भाषा में बोलिए। Feel fantastic to be here in Indulekha Sakhi's village. Thank you so much to all Sri Sri Radha Krishna. All glories to the Brajvasis. All glories to Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Itagor. Thank you. Hare Krishna. देखिए बाहर से आए हुए श्रद्धालु कितनी मस्ती में हैं और किस प्रकार से भगवान के गुणों का गुणानुवाद यहाँ करते हैं। ब्रज में आकर के ये भी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ऐसी महिमा है हमारी ब्रजभूमि की और हमारे प्यारे श्याम सुंदर और हमारी श्री राधा रानी की। आज उसी श्रृंखला में हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी इंदुलेखा जी का जन्म महामहोत्सव यहाँ अंजन वन अर्थात आंजनों की पावन पवित्र भूमि पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और अभी आपने दर्शन किए महाअभिषेक के, उसके उपरांत भव्य श्रृंगार और श्रृंगार के बाद आरती। और दर्शन कीजिए हमारे साथ आप भी ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से श्री इंदुलेखा जी के जन्म महामहोत्सव के। जय हो। आरती के उपरांत पुजारी जी सभी भक्तों पर आरती का पवित्र जल छिड़क रहे हैं और सभी ओर जयकारे लगाए जा रहे हैं। आई हो। जय जय श्री राधे। देखिए कितो ताम है भक्त आज यहाँ इंदुलेखा जी के जन्म महोत्सव में। आज आपने दर्शन किए हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी इंदुलेखा जी के आंजनों गांव से और उस दिव्य आनंद को प्राप्त किया जो जीव को बड़े परिश्रम के बाद प्राप्त होता है, बड़ी तपस्या के बाद प्राप्त होता है। आज आंजनों गांव में
हमारी राधा रानी की प्रिय सखी इंदुलेखा जी का जन्म महामहोत्सव बड़ी ही धूमधाम से हमने, आपने और सबने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। हमारे श्री इंदुलेखा जी का जन्म महामहोत्सव आज हमने, आपने सभी ने बड़ी धूमधाम से यहाँ आंजनो गांव में मनाया और उस दिव्य आनंद को प्राप्त किया जिसके लिए ब्रज को लोग जानते हैं। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।